हाय गाइस, वेलकम बैक टू चटपटी सिस्टर चैनल। तो मैं काजू और मैं खुशी। तो गाइस हम आ चुके हैं एक न्यू चैलेंज के साथ। तो गाइस आज हम लोग करने वाले हैं एग करी, बिग थाली एग करी चैलेंज। तो गाइस आप देख सकते हो हमारे पास कितने, मतलब बड़े थाली में कितने सारे एग, और ये दो आलू है बड़ा बड़ा, वो भी बहुत बड़ा है, और चावल भी कितना ज्यादा है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, बिग थाली में तो ऑब्वियस है। तो गाइस देखिए, दिखा दो, इतना टेस्टी लग रहा है हमारा एग करी और साथ में राइस भी। तो गाइस आज के चैलेंज होगा ऐसे, हमने इसके लिए चिट बनाया कि कौन सबसे पहले अपना, मतलब कि चैलेंज स्टार्ट करेगा, कौन सबसे मतलब फर्स्ट राउंड करेगा, तो उसके लिए चिट बनाया। और यहाँ पे गाइस एक भूल गए थे हम, तो यहाँ पे है पोपी, पिस्ता कुछ भी कह सकते हैं। हाँ यहाँ पे स्नैक में जो मतलब खाया जाता है खाने के साथ, पोपी हमारे यहाँ बोला जाता है इसको। आपके यहाँ क्या बोला जाता है गाइस, कमेंट में बताइएगा। और हाँ गाइस, जो भी सबसे पहले कम टाइम में मतलब अपना सारा ये पूरा प्लेट फिनिश करता वो विनर होगा, और हारने वाले को पनिशमेंट मिलेगी हमेशा की तरह। तो एंड तक देखिएगा वीडियो को, क्योंकि मजेदार है पनिशमेंट, और हाँ मजा आएगा। और इसको भी मतलब हाफ हाफ बटा हुआ है हम दोनों का, चार मेरा है और चार दी का है, तो हम दोनों को इसको भी खत्म करना है, सब कुछ खत्म करना है, कुछ इसको छोड़कर इसको नहीं भी करेंगे तो चल जाए। तो गाइस टाइमर हमारे पास रेडी है। तो गाइस चैलेंज स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। अब ज्यादा देर नहीं करते हैं और अपने चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब ज्यादा देर नहीं करते और अपने चट को निकालते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम निकालेंगे, देखते हैं किसका नाम आता है। तो गाइस चलिए निकालते हैं, मेरा नाम है किसका आएगा। तो गाइस खुशी का आया, आ गया। तो गाइस फर्स्ट राउंड खुशी करेगी, टाइमर रेडी है हमारे पास। में आना चाहिए था लास्ट में, हमेशा लास्ट में आता है, मेरा फर्स्ट में आता है। अरे चलो कोई नहीं, कोशिश करेंगे। तो गाइस टाइमर रेडी है, खुशी भी रेडी है, ज्यादा देर नहीं करते और स्टार्ट करते हैं, इसको साइड करते हैं। रेडी हो खुशी? हाँ। 1 2 3 स्टार्ट। तो देखते हैं खुशी कितने टाइम में पूरा फिनिश कर पाती है गाइस। बहुत टेस्टी है गाइस। तो गाइस आपने भी ऐसे चिप्स, मतलब कि इतना लंबे लंबे चिप्स खाए हैं बड़े वाले, ऐसे तो बहुत कम तरह मिलता है, बहुत बड़ा बड़ा है ऐसे स्कूल में, ऐसा मतलब कि मिलते बचपन में हम लोग खाते थे स्कूल टाइम पे। कैसा है खुशी? मस्त स्पाइसी है। कितना टाइम में कर लेगी? तो क्या लगता है इस कितने टाइम में कर लेगी खुशी? जितने टाइम में करेगी हम भी कोशिश करेंगे कि उससे थोड़ा कम टाइम में खा लें, फिर जीत जाए। बार बार हार के पनिशमेंट लेना पड़ता है हमको। तो 1 मिनट हो चुके हैं खुशी, मिनट वन मिनट, और एग भी बहुत बड़े बड़े हैं, क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा है। अच्छा मैं फर्स्ट राउंड नहीं है, बार बार आ जाता है, मेरा ही चिट में नाम आता है, पूरा फिनिश हो गया कितने में, 1.5 मिनट में ही आधा खत्म हो गया। वाह खुशी वाह, वाह खुशी वाह। दो मिनट हो चुके हैं, होने वाले हैं, 5 मिनट के अंदर खा लेगी, आराम से पानी पी ले। तो गाइस 2.5 मिनट होने वाले हैं,
वो लगता है 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, क्योंकि एग को थोड़ा च्यों करने में टाइम लगता है। अभी 3 एग है, 246 खुशी, 250। और हाँ गाइस, हम लोग को भी पनिशमेंट सजेस्ट किया कीजिए, तब और लाएंगे हम। फनी फनी पनिशमेंट रहेगा तो मजा भी आएगा, और चैलेंजेस भी सजेस्ट कर सकते हैं। थ्री मिनट ट्वेंटी सेकेंड फनी, 3:30 हो गया, 4 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट से भी ज्यादा जाएगा हमको लगता है ऐसा। अभी चावल फिनिश नहीं हुआ मेरा भी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चावल बहुत ज्यादा है, टाइम तो लगेगा ही। ऐसे नॉर्मली सब खाना खाते हैं कितने टाइम में, ऐसे तो टीवी वगैरह देखते हुए खाते हैं तो टाइम लगता है, फिर भी जल्दी खा लेता। अभी तो बहुत बड़ा थाली है, जो नॉर्मल खाते हैं उसके 3 गुना है। गाइस अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट किया कीजिए, हम लोग को बनाने में और मजा आएगा। खत्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हाँ तो अच्छा, खाते खाते 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट हो गया? हाँ हो गया। बस तुम्हारा फेवरेट स्नैक भी बचा हुआ है, जल्दी चिप्स, मस्त लगता है ये। हाँ फोफी, बहुत स्लो खा रहे। 5:40 हो चुका है खुशी, 6 मिनट होने वाले समझो तो, 5:48। जल्दी खत्म हो जाओ, खाओगी तब तो होगा खत्म। 6 मिनट हो चुके हैं, मिनट 20 सेकेंड। तो गाइज अभी बचा हुआ है खुशी का 2 एग, 1 आलू और कितना, 3 चिप्स। देखते हैं कितना टाइम लगेगा, अब उससे हमको कम टाइम में खाएंगे तभी हम विनर हो पाएंगे, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगा दोनों को। तो क्या लगता है हमको, हम मतलब कंप्लीट कर पाएंगे कम टाइम में? तो हम बहुत स्लो खाते हैं, फिर भी ट्राई करेंगे, हम ट्राई करेंगे। कैसा लगा खुशी? मस्त, बिग थाली खाने में 7 मिनट हो चुका, चल जल्दी जल्दी, नहीं तो आउट, पता नहीं हम ही आउट ना हो जाए जल्दी। धीरे धीरे 7:14 सेकेंड, 7 मिनट 14 सेकेंड, 7:20, 10 मिनट लगेगा तुमको। वाह, तो हम जीत जाएंगे, हमको लगता है 10 मिनट में खुशी खाएगी। अब हमको ही बोल रही थी,
बहुत मुश्किल है। हाँ एग थोड़ा चढ़कने में टाइम लगता है क्योंकि उसका जो येलो वाला भाग होता है वॉइल रहता है तो चिपकता है। को भी भूख लग रहा है, लालच आ रहा है देख करके, खाते हुए देखते रहो तो मन करता है खाने का। 8 मिनट हो चुके खुशी, आराम से पानी पी ले। पानी पी थी पहले चबा के खत्म करो मुंह का फिर डालो। बस हो गया, क्विट स्टॉप। फिर भी कितना में किए, 8:33 में स्टॉप क्विट किए, 8:32 में क्विट किए। 3 ये बच गया था और एक ये और एक आ। तो गाइस खुशी ने क्विट कर दिया है 8:32 पे। टाइमर तो इतना दिखा रहा है, 33 दिखा रहा है, पर 32 पे की थी क्विट। कैसा लगा खुशी, खुशी के बच गए हैं बताओ तुम्हें। अच्छा लगा, लेकिन एग खाने के बाद मतलब उसका सत्तू होता है ना फंस रहा था, क्विट कर दिया है प्रॉब्लम। जीत ही जाते हैं, बस ये एग और ये आलू और 3 ये खाना था, चिप्स बच गया था लेकिन नहीं हो पाया तो क्विट कर दे। तो गाइस अब अपने राउंड को लेकर आते हैं। तो गाइस हम सेकंड राउंड लेकर आ चुके हैं जिसमें दीदी का है सेकंड राउंड, तो स्टार्ट करते हैं। अब टाइमर भी रेडी है हमारा। तो गाइस चैलेंज मतलब कि खुशी से ज्यादा अगर हम खा लेते हैं, मतलब कम टाइम में उतने ही काम, मतलब खुशी खाई थी 8:32 पे क्विट की थी, तो अगर हम 8:30 पे मतलब कि खुशी से ज्यादा खा लेते हैं तो हम विनर हो जाएंगे, और अगर हम भी क्विट करते हैं उससे कम टाइम में या मतलब उससे ज्यादा टाइम में तो हम भी हारेंगे और हमको ही पनिशमेंट मिलेगा, दोनों को मिलेगा। तो अब ज्यादा खा लिए तो हम बोल देंगे स्टॉप, ठीक है तुमसे तो जीत जाएंगे। ठीक ठीक, रेडी है, टाइम रेडी करो। 1 2 3 स्टार्ट। अरे नहीं स्टार्ट हुआ, खाए नहीं है, सो नहीं है। चलो हाँ स्टार्ट है। तो गाइस देखते हैं कौन जीता है आप लोगों में। बहुत मुश्किल था, लेकिन चावल एग खाने के बाद अजीब हो गया था, मतलब फंस रहा था उसका जो सत्तू होता है ना। बस मेरा एक एग बच गया था और आलू और ये 3 बच गया था, चावल पूरा फिनिश कर लिए थे हम। गाइस ये देखते हैं दीदी कितने में कर पाती है, कितने टाइम में। तो गाइस आप लोग बताइएगा आप लोग को एग करी पसंद है, किस किस को एग करी पसंद है कमेंट करके बताइएगा। एक मिनट हो गया दीदी, कैसा है? पेट फुल हो चुका है गाइस, बहुत खाया आ रहा है। वाह दीदी का कितना एग फिनिश, 2 एग फिनिश ही हो गया आलू की। वाह तो गाइस देखते हैं कौन जीतता है, मैं हमको तो लग रहा है हार जाए। और गाइस इसको बताइएगा आप लोग क्या बोलते हैं, आपके गांव क्या क्या बोला जाता है इसको। दो मिनट हो गया है। बहुत अच्छा कर रही हो दीदी, जल्दी खाओ। पानी तो टाइम हो गया है 2:30। पानी
गाइज आप लोग चैलेंज भी सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट बार हम लोग कौन सा फूड करें, और पनिशमेंट भी सजेस्ट कर सकते हैं। मजेदार मजेदार कीजिएगा, फनी फनी सा कम पनिशमेंट। इसका साउंड बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा गाड़ी हो रही जल्दी। हम बहुत अच्छा, मतलब बहुत टाइम में खा कर रहे हैं अपना चैलेंज। 8 मिनट हो गया था मेरा। जल्दी करो दीदी, जल्दी जल्दी। तो गाइस आज का जो पनिशमेंट है बहुत ही खतरनाक है। वाह, बहुत मुश्किल होता है, मतलब ज्यादा खा 2-3 खाने के बाद ही मन भर जाता है। तो गाइस आप बताइए आप कितना खा सकते हैं। अच्छा कर दीजिए। तो गाइस लाइट चला गया था इसलिए हम लोग चैलेंज रुक गया था, 2 मिनट के लिए कट गया था लाइट। तो गाइस दीदी का चैलेंज मतलब 5 मिनट 4 सेकंड हो रहा था जब लाइट कटा था लाइट। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 5 मिनट 5 सेकंड से। तो खा लेंगे, थोड़ा ही बचा है। जीती गई है, कंटिन्यू जीती गई है। हाँ 6 मिनट हो गया। बस वो बहुत अच्छा कर दिया और हम बहुत खराब किया। जीत गई गुस्सा है। तो गाइस टाइम हो गया है 7 मिनट। जीत गए, 7 दिन खत्म है। हाँ जीत गई है। कौन खाना है, खा लो। चिरा रही है मुझे। भागे स्टॉप। तो गाइस दीदी पूरा खाली जो है फिनिश किया है 7 मिनट 52 सेकंड। वो भी बहुत लास्ट में हम नट्स हो गए थे और हम बहुत लेट खाए हैं। हम खाए थे 8 मिनट 32 सेकंड। तो गाइस कम टाइम में पूरा फिनिश किया है, तो विनर है हम। और कुछ भी मिलेगा पनिशमेंट। तो गाइस बनता है पनिशमेंट, सब कटाते हैं पनिशमेंट लेके आते हैं खुशी के लिए। तो गाइस हम आ चुके हैं खुशी के लिए पनिशमेंट लेके। तो गाइस पनिशमेंट रिक्वेस्टेड है जिसमें की है करेला खाना है। तो पूरा नहीं देंगे हम, बहुत अच्छे हैं तो इसको करेला लाइए हम नहीं, ऑडियंस दे रहे हैं, सब हमारे सब्सक्राइबर दे रहे हैं। तो गाइस हाफ देंगे और अंदर का जितना होगा बीज वगैरह हट निकाल देंगे तब खाएगी। और खाते हुए गाना भी गाना पड़ेगा।
अपने मनपसंद का कोई भी गाना, तो तब तक सोचो, तब तक हम निकालते हैं कोई गाना, सोचो कि कौन सा गाओगी, कौन सा गाए, तो ये देते हैं कौन सा गाएंगे, तो अंदर का हम निकाल देते हैं, अच्छा नहीं लगता है, बीज थोड़ी खाएगी। इतना प्यार कोई करेगा पर गुनिया तो वो तुम खाओगे। देखिए इतना तुम कहाँ रही हो, देखिए ये भी हटा दो। तो गाइस इसको भी हटाओ साइड से। तो गाइस देखिए पूरा हटा दिया, अब साइड से भी बोल रही है डिमांडिंग गर्ल, तो हटा दिए, अब खाइए और गाइए, पूरा खा जाए तब गाएंगे। हाँ नहीं खाते खाते गाओ, ऐसे नहीं, हाँ क्या हम भी बोल रहे हैं, खाते खाते गाना गाओ, खाते खाते गाना गाइए, टेस्ट ले रही, खाते खाते गाना भी गाओ, कोई भी गाते हैं, भोजपुरी कुछ भी चलेगा ना, कोई भी गा दो बस, गा देते हैं। हाँ ऑडियंस को एंटरटेन करो। तो गाइस अभी खाए करेला, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता दो बबुआ लुगवा देत काहे, खाते खाते बता दो बबुआ लुगवा देत काहे गारी, बता दो बबुआ, खा जब तक खत्म नहीं होगा तब तक गाते रहो। बूढ़ा बाबा के पकड़ पकड़ दागी, बूढ़ा बाबा के पकड़ पकड़ दागी, वेखन में पावर खाए भर खाए, बलवा दो बबुआ लोग बजे सुता है गाए, राम जी के लिए सॉन्ग। कोहरा के पुकुमा ओ धन सुधारे, कोहरा के पुकुमा ओ खाइए भी गाइए, एक भाई गुल का है एक काहे काली, बका दो बबुआ, मजेदार लग रहा है, खाओ जल्दी, हम कोई की गाय जा रही है खा नहीं रही है। बाबा तो गाइस खुशी कंप्लीट कर लिए, तो गाइस मैथिली भाषा में था वो, राम जी के लिए गाया जाता है ससुराल वालों की तरफ से। तो गाइस खुशी अपना पनिशमेंट कंप्लीट की, करेला खा ली, बहुत कड़वा होता है फिर भी खा ली। तो गाइस आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और हमें अच्छे अच्छे पनिशमेंट सजेस्ट कीजिएगा और फूड चैलेंजेस भी। तब तक के लिए बाय गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।